भाई, ये 5 रुपए का बॉल आपका 5 लाख रुपए का बचा लेता है पूरा। जी जी भाई, अभी महीने का हम लोग समझ लो 50,000 से लगभग चूजा बेचते हैं। हाँ। बड़े जो मुर्गे रहते हैं कम से कम हम लोग 20-30 हजार मुर्गे बेचते हैं महीने का। अंडा भैया मैं 20 रुपए से बेचता हूँ, हजारों अंडा दिन का चला जाता है। हाँ। तो महीने का आंकड़ा जो लाखों में अंडे का, तो वो से करोड़ों में कमाई हो जाती है। मान के चलो कि 2-3 करोड़ का सेल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान भाइयों। आज मैं पुणे महाराष्ट्र में हूँ। यहाँ पे आज आपको एक ऐसे युवा से मिलाऊंगा जिसकी उम्र मात्र 23 साल है। हम जैसे युवाओं के लिए, हम जैसे किसान भाइयों के लिए एक इंस्पिरेशन है, ये एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इन्होंने 2015 में अपना देसी मुर्गी पालन का काम शुरू किया था और आज ये अपने बहुत अच्छे मुकाम पर है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करके मिलवाता हूँ आपको सौरभ भाई से, जानेंगे उनकी कहानी और देखेंगे उनका फार्म। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आज आपके फार्म पे आए हैं, बारिश हो रही है और थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। भैया मेरा नाम सौरभ सूर्यकांत आपकीर है। जो अपना जो फार्म जो है वो अपना पुणे जिले में, महाराष्ट्र में आता है, पुणे जिले में मावळ तालुका जो आता है वहाँ पे जो फार्म आता है अपना। जी, हमारे जैसे युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा हो, क्योंकि आपकी उम्र मुझसे भी कम है, 23 साल के हो आप, और आज की डेट में लोग देख ही रहोगे आपके पीछे मर्सिडीज खड़ी है आपकी अपनी, ठीक है, और इस फार्म की बदौलत ही आपने ये सब कामयाबी हासिल की है। हाँ भैया, तो छोटा सा फार्म का टूर करेंगे और जानेंगे कि क्या, कैसे कैसे, क्या कहानी है आपकी। तो ये बताइए कि ये सब शुरुआत कैसे हुई इन सब चीज़ों की। भैया जो शुरुआत जो हुई है, ये शुरुआत भैया मैं खुद का जो मेरा कबड्डी से बहुत लगाव था भाई, खेलने के मेरे को बहुत लगाव था। अच्छा। खेलने के चक्र में भाई अच्छा खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये अच्छा खाना जरूरी जैसा था, इसके लिए मैंने अंडा खाना मेरे को जिद था, तो वो जिद के कारण मेरे को जिद पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भैया शुद्ध जो देसी अंडा जो रहता है वो अपने को मिलता नहीं है, आपने भी देखा रहेगा जो मिलता नहीं है। तो इसके कारण भैया पिताजी ने मुझे मुर्गियाँ ला के दी, और वो मुर्गियाँ लाने के बाद मैं खुद ही अंडा उधर मुर्गियाँ पाल के अंडा खाने के लिए मैंने चालू कर दिया था। जी जी। और उसके चक्कर में भैया चूजा निकलता गया, डिमांड बढ़ता गया, और भैया डिमांड बढ़ता गया, और मैं इधर लोग आते थे, मैं इस हाथ से अंडा देता था, इस हाथ से पैसा लेता था। तो इसी कारण मैं भैया समझ गया कि अंडा बेच के अपने को पैसा आराम से मिल जाएगा। जी जी। तो इसी कारण भाई ये बिजनेस पूरा चालू हो गया। जी, वैसे आपने अपनी सेहत के लिए शुरुआत किया था। हाँ। इससे पहले क्या करते थे आप भाई? कितना पढ़े लिखे हैं थोड़ा ये बताइए। भाई मैंने बीबीए कंप्लीट करके एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में। जी। और इसके बाद भैया जैसे मेरे को टाइम मिलता था उस हिसाब से मैं भैया पिताजी को, जो हमारा वड़ा पाव का जो ठेला था वहाँ पे मैं पिताजी को मदद करता था वड़ा पाव बेचने के लिए। रास्ते पे रुके वर्क था, वो रास्ते पे रुक के पिताजी वड़ा पाव बेचते थे, उस उधर कैसा था, पिताजी अकेले रहते थे, तो उसके कारण वो जो दारू पी के जो रात को लोग आते ये करते, तो वो बहुत परेशानी करते थे। अच्छा। और गाड़ी भैया बंद करना, पूरा सामान लौटाना, वो बर्तन घासना, वो सब भैया काम चलता था। इसके लिए पिताजी को मैं वर्क करने, मदद करने के लिए जाता था, और उस हिसाब से पढ़ाई भी कम्प्लीट करके ये पोल्ट्री फार्म मैंने चालू कर दिया भैया। जी, एक काफी मैं कहूँगा एक इमोशनल स्टोरी कहूँगा कि आपने बोला कि लोग आते थे दारू पी के परेशान करते थे, मतलब एक बहुत नीचे तबके से शुरू करके आज आपकी अपनी मर्सिडीज खड़ी है और आपके पास शायद 5 गाड़ी है ना, है ना। तो फार्म के अंदर चलेंगे और वहाँ भी देखेंगे क्या सिस्टम क्या चल रहा है। हाँ भैया। हाँ और मैं देख रहा हूँ ये कितना एरिया है फार्म का आपके का? भैया पूरा 5 एकड़ एरिया है ये। 5 एकड़ में मेरा एक हॉर्स है। जी। 3 गाय है। जी जी। गिर गाय जिसे बोलते हैं, कृष्ण भगवान ने जो पाला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गिर गाय है, और भैया पिटबुल है, रॉटविलर है, बहुत सारे कुत्ते हैं। कुत्तों का तो अलग ही शौक है, और यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स भी हैं जो अपने देसी डॉग्स होते हैं। हाँ भैया, मैं एनिमल से लगाव दिख रहा है आपका, बहुत लगाव है। चिड़िया है, चूहे है, खरगोश है, सब है मेरे पास। पर भाई अपना जो असली जो बिजनेस है वो अपना मुर्गियों का है। आपको साइड में चलते हैं तो अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ भाई आ जाओ। अच्छा मैं देख रहा हूँ 5 एकड़ में आपने बना रखा है अपना ये। अच्छा, जैसे आज की डेट में आप कह रहे थे कि मैंने किसान भाइयों को जोड़ के, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ कंपनी का मालिक, मेरे किसान भी मेरी कंपनी के मालिक हैं। हाँ भैया। तो क्या है, थोड़ी सी इस बारे में बताइए क्या है कहानी वो। तो भैया ये शुरुआत जैसे हुआ तो मुर्गियाँ मैंने पालना चालू किया, और भैया जैसे आपको मैंने बताया कि फार्म पे भैया पैसा कम था, वड़ा पाव का ठेला था, बेचता था, इसी कारण भैया पैसे का बहुत लफड़ा था कि पैसा नहीं था और बिजनेस भी करना था। जी जी। इसी कारण भैया जो जो आपको मैं फार्म में दिखाना चाहूंगा कि जो जो कम वाली जो चीजें है। जी। और भाई देखो ये आप एक रूल में बना रहा हूँ, ये जो मेरी चप्पल है वो मैं निकाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो चप्पल रखा है वो चप्पल पहन के मैं अंदर जा रहा हूँ। ये किसका रीजन है कि ये जो चप्पल है, ये चप्पल यहाँ के फार्म के लिए। जी जी। आप दूसरा चप्पल पहन के यहाँ पे आओगे, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आप भी बहुत सारा फार्म घूमते हो। बिल्कुल, मैं भी घूमता हूँ, तो आपके शरीर पर या चप्पल पर कुछ
गंदा या वायरस जो रहता ये हमारे फार्म पे आया हुआ रहता। आपने बोला आप ये जो फार्म मेरा देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो कि आप बम्बू लगाया हुआ है और ये तेल का डिब्बा है। हाँ जी, क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी देखो भैया, तेल के डिब्बे की कहानी। अच्छा, ये कहानी ये कहानी है कि यहाँ पे भैया अंडा देते हैं, यहाँ पे रात के मौसम में बैठते हैं। अच्छा। और दिन भर तो ये बर्ड्स बाहर रहते हैं। अभी कुछ बर्ड्स बाहर भी है, कुछ बर्ड्स अंदर आए, जिसका जैसा माहौल रहेगा वैसे लेती है। यहाँ को मैंने ईटों का भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, अंडा देने का सिस्टम। ये ब्रीड कौन सी है भैया? ये जो भैया ब्रीड है, ये ब्रीड जो है भैया ये शुद्ध देसी जो नस्ल है, इसको भैया कुछ इसका जात का नाम नहीं, इसी से हाइब्रिड बनाया हुआ है बाकी का। ये जो जो ब्रीड है ये शुद्ध देसी है भैया, जो जाकर खुद अंडा निकालती है, खुद अंडा देती है, खुद बच्चा निकालती है। ठीक है। अच्छा। तो ये मुर्गिया जो पालने का जो तरीका है बहुत आसानी से और कम खर्चे में बनाया हुआ है मैंने। ये देखो, ये बम्बू लगाया है, यहाँ पे तेल का डिब्बा लगाया है। और भैया सबसे एक मेन बात हुई है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आके मैं दिखा दूंगा। ये देखो, यहाँ पे आ जाओ जी, तेल के डब्बे में अंडे दिए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे और क्या देखो भैया, यहाँ पे जो मुर्गी अपना खेल रही है। हाँ। यहाँ पे देखो, आप इधर आके देख सकते हो। हाँ। अपने दर्शकों को दिखा दो, देखो यहाँ पे मुर्गी बैठी है। अच्छा, मुर्गी बैठी हुई है अंदर। हाँ, देखो दोस्तों, मुर्गी बैठी हुई है, सच कह रही है। हाँ, देखो ये मुर्गी बैठी है और यहाँ पे भाई ऐसा अंडा मिलता है जी। देखो ये डब्बे में, डब्बे का पूरा लाइन है। और यहाँ पे मुर्गी बैठ के अंडे देती है। अच्छा। अभी भाई एक मैंने ऐसा दिमाग लगाया है कि आपको मैं दर्शकों आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे भाई अपने को बिजनेस का प्रोडक्शन रेट और बिजनेस का जो तरीका वो फास्ट करना है, क्योंकि फास्ट नहीं करेंगे तो खाने वाला आदमी बढ़ते जा रहे हैं। आपने अभी समझो, आपका उदाहरण, आप आपके दोस्त के साथ आ जाओगे मेरे फार्म पर, बोलोगे सौरभ भाई ये 10 मुर्गा दे दे, मैं बोलूंगा भाई नहीं मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बहाना बनाऊंगा तो आपको आप वापस मेरे पास आओगे नहीं। नहीं, नहीं तो मेरे भाई तरीका मैंने फास्ट कर दिया। कोई भी किसान भैया साल में एक मुर्गे को बच्चे जो निकालता है वो साल में 2-3 बार निकालता है। पर भैया मैं खुद 12 महीने मुर्गे से बच्चे निकालता हूँ और ये मेरी मुर्गी हमेशा अंडा देगी। मतलब हैचरी जो इलेक्ट्रिक वाली हैचरी होती है उसका प्रयोग ना करके आपकी अपनी अलग हैचरी है? ये मेरी हैचरी, अंदर आ गए बराबर। उसके बाद आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे मेरे पूरा पीछे एरिया जो दिख रहा है आपको, इतना बड़ा एरिया है जी। यहाँ पे कम से कम एक समय पर भैया 500,000 मुर्गी यहाँ पे चूजा निकालने के लिए बैठती है। अच्छा। आप मुझे पूछोगे कि भाई कैसा बैठती है, क्या जी, करती है जी। तो आपको एक उदाहरण लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मुर्गी बैठी है। हाँ, बैठी है। ठीक है। बड़ा भैया ये आप ये कंटिन्यूस अंडा निकालेगी। अच्छा, मतलब ये मुर्गी बस पिल्ला चूजा निकालते रहेगी, बच्चे निकालेगी। हाँ, यहाँ पे नीचे हम लोग खाने के लिए पानी पीने के लिए भांडे में रख देते हैं। अच्छा। जब उसका मन करेगा वो बाहर उठेगी। हाँ, खाएगी दाना पीना, वापस उसी में जाके बैठेगी। ठीक है। तो ये किस चीज से हो रहा है तो आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो, इसके नीचे अंडा रखा है। हाँ जी, अंडा। इसके नीचे भी अंडा है, प्लास्टिक का अंडा। अच्छा, अंडा नहीं है, ये बॉल है। तो भैया ये आपको दिखाना चाहूंगा मैं, मैंने ये क्यों रखा है इसके नीचे। ये आप तो आपको फर्क समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, अंडा और बॉल का। बॉल का पर आप ये मुर्गी को नहीं समझ पाएगा ना ये अंडा है क्या बॉल है। भैया देसी मुर्गी की एक पहचान रहती है कि जब भी मेरी मेरा चूजा निकलेगा नहीं तब तक मैं अंडे पे से उठूंगी नहीं। अरे भैया इसमें से चूजा निकल जाएगा? अच्छा, इसमें से निकलेगा? नहीं निकलेगा। हाँ। इसके कारण मुर्गी क्या होती है, बैठ के उधर ही रहती है, यहाँ इस साइड में निकलता है अपना अंडा। अच्छा, ठीक है, फर्टाइल एग, फर्टाइल एग मुर्गा भी है ना वहाँ। हाँ, ठीक है, यहाँ पे अंडा निकला, इस वाले गेट से अपन कहाँ पे आ गए? हाँ, यहाँ पे आ गए। हाँ। ये मुर्गी हमेशा के लिए चूजा निकालती रहेगी। अच्छा। क्यों? ये बॉल के वजह से, बरोबर, इसके कारण उठेगी नहीं। और वहाँ पे जो अंडा निकलेगा वो अंडा लाके अपने को सिर्फ यहाँ पे रखना है जी। और इसमें से जो चूजा निकलेगा ये चूजा अपने को ब्रूडिंग रूम में लेके जाना है। और ये बॉल हटाना नहीं है, नहीं है, मतलब उसको लगेगा कि मैंने अंडे मेरे बच्चे निकले ही नहीं, मैंने अभी तक चूजा निकाला ही नहीं है। अच्छा, तो ये लगता है। अच्छा, ये सब काम कर रहा है अपने को रात में, तब उसके सामने अपने चूजा निकालेंगे, ब्रूडिंग रूम में डाल देंगे। हाँ। और इसके नीचे वापस अंडा जी रख देंगे। तो भैया मैं मानता हूँ आपने तो लाखों रुपए अपनी इलेक्ट्रिक वाली हैचरी से बचा लिए। हाँ, हाँ, है, ये देसी जुगाड़ करके आपने। हाँ, जो इलेक्ट्रिक वाली आती है वो उससे पैसे बचा लिए, बचा लिए। देखो भैया अभी बाहर देखो भैया, बारिश गिर रहा है, बारिश गिर रहा है, ये हो रहा है, लाइट चला जाता है। अभी हर किसान के घर में प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल, लाइट चला जाना। बस भैया ये 5 रुपए का बॉल आपका 5 लाख रुपए का बचा लेता है पूरा जी। अच्छा ये बताओ, मैं तो ये मान रहा हूँ कि ये जो है आपका पेरेंट स्टॉक है, बराबर, इसलिए कम भी है। हाँ। क्योंकि ज्यादा रखेंगे तो वो क्वालिटी एक नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। हाँ। कितनी मुर्गी हैं इधर?
भैया मैं टोटल यहाँ पे जो मेरा अगल बगल में जो पूरा फार्म है ये पूरा फार्म में मिला कि भैया मेरे खुद के जो पैरन जो स्टॉक है ना वो 4-5 हज़ार मुर्गियों का स्टॉक रहता है हमारा। अच्छा। ऐसे भैया बहुत किसानों के पास मैंने रखा है तब जाके भैया एक हट्टा। अभी आप बोलोगे कि 4-5 हज़ार मुर्गी पालता है या 2 हज़ार मुर्गी पालता है या 100 मुर्गी पालता है तो इतना चूजा कहाँ से लाता है? तो भाई इसका सबसे मेन जो रीजन है वो है भैया मेरा फार्मर, उसको लगे जाएगा कि मैं भी कर पाऊंगा तो भैया मैं उसको क्या कर दूंगा कि भैया चल तू तेरे को क्या करना है अंडा निकालना अंडा निकाल ले, भैया तेरे को चूजा निकालना है चल चूजा निकाल ले। भैया कोई कोई हर आदमी किसी एक में उसमें कामयाब हो सकता है ना, तो किसी में किसी को इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, किसी में अंडा निकालने में इंटरेस्ट आ जाता है, किसको चूजा बड़ा करने में इंटरेस्ट आ जाता है। जिसको जो काम करना है वो कर लीजिए। तो वह हमारा भैया पूरा ग्रुप बना दिया हमने, तो ग्रुप निकाल के भैया आज लगभग इसी सिस्टम के चक्कर में हम लोग भैया महीने के 40-50 हज़ार चूजे निकालते हैं। एक ही आदमी नहीं निकाल पाएगा इतना चूजा, पर कोई आदमी 500 चूजा निकालता है, कोई आदमी 100 चूजा निकालता है, कोई 1 हज़ार निकालता है, कोई 2-3 हज़ार निकालता है। ऐसा पूरा हमारा टीम वर्क होता है और तब जाके 50 हज़ार चूजा एक घट्टा निकलता है भैया। ये पूरा लाइन में ऐसा मैं ये मान रहा हूँ आप जो यहाँ पे मतलब आपका ये पेरेंट स्ट्रोक है आजू बाजू में जो आपके फार्म है जो भरे हुए हैं, ठीक है ना, आपका मेन फोकस जो है वो ज्ञान देने में है कि आप लोगों को मेथड दे रहे हो और उनका वो वापस ले रहे हो उनसे, है ना, बायबैक कर रहे हो। भाई आपको एक छोटा शब्द मैं आपको बोलता हूँ भैया कि देखो जो जो किसान सफल उगाता है वही उसको बेच नहीं पाता है जी, बेच भी पाया तो उसको भैया संगठन चाहिए और वही संगठन हमने लाया हुआ है। आपका वही संगठन है, वही संगठन है ना, कि हमने क्या किया भैया हर किसान हम लोग पूरा सब इतने 2000 लोग भाई जुड़े हुए हैं, वो फसल उगाते हैं हमारा ये मुर्गियों का और भाई हमारे जो गिने चुने जो हमारे जो टीम है तो वो हम भैया उसको पैकिंग वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा बॉक्स वगैरह में उसको पैकिंग करके हम लोग उसमें बेचते हैं भैया। एक तरीके से आप आड़ती हैं, है ना, आड़त काम है आपका। अगर हम देसी भाषा बोलूं तो मतलब किसान भाई आए गए उनसे जो नहीं बिक रहा वो आपको देंगे। हाँ, पर वो देंगे ही देंगे क्योंकि आपने उन्हें फ्री ट्रेनिंग दी है और बहुत हेल्प करी है। मेरे को नहीं भाई एक जानकारी मैं आपको चलने जैसे दे सकता हूँ कि भाई मेरे को कभी भी किसी को ऐसा बंधन में रखना नहीं पसंद है। अच्छा। देखो किसान भाई कोई भी किसान रहेगा वो मेरे से चूजा लेके गया वो खुद बेचना चाहता है अच्छे दामों में तो बेच सकता है, खुद बेचेगा तो अच्छे दाम वो 100% पाएगा मिलेगा जी, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मेहनत करना पड़ेगा और वो नहीं कर पा सकता है नहीं बेच सकता है, किधर अंदर रह रहा है उसके पास नजदीक शहर नहीं है, पब्लिक नहीं है, लोग नहीं है, तो भैया वो मुझे ये चिकन अंडा या चूजा वगैरह दे सकता है। ऐसा भी होता है ना जो आदमी पालन करता है वो मार्केटिंग नहीं कर पाता, नहीं कर पाता क्योंकि मल्टीपल काम है, तो दो भाई हो वो एक पालन संभाल रहा है मार्केटिंग संभाल रहा है। ज्यादातर वो सक्सेसफुल मॉडल देखे हैं जहाँ पे दो भाई साथ में काम कर रहे होते हैं, आप वो दूसरे भाई एक तरीके से। कैसे भैया जैसे आज आपने मतलब इतना अच्छा एक सफर तय किया नीचे से, बिल्कुल नीचे से आप आज इतना ऊपर हो आज की डेट में, तो महीने में या साल में क्या अर्न कर लेते हो आप? क्योंकि आप अकेले अर्न नहीं कर रहे, आपका एक बहुत बड़ा संगठन है। मैं ये कोई कह देना कि इस फार्म से इस पेरेंट स्टॉक के फार्म से ये इतना अर्न कर सकते हैं तो ये गलत है। ये अर्न कर रहे हैं अपने किसान भाइयों की वजह से, वो इनको लाके दे रहे हैं रॉ मटेरियल और ये मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, यस यस, है ना। तो कितना आप करवा लेते हैं भैया? अभी महीने का हम लोग समझ लो 50 हज़ार से लगभग चूजा बेचते हैं। हाँ। बड़े जो मुर्गे रहते हैं कम से कम हम लोग 20-30 हज़ार मुर्गे बेचते हैं महीने का मीट पर्पस के लिए, मीट पर्पस के लिए। अंडा भैया मैं 20 रुपए से बेचता हूँ, हजारों अंडा दिन का चला जाता है। हाँ। तो महीने का आंकड़ा जो लाखों में अंडे का, तो बस करोड़ों में कमाई हो जाती है, मान के चलो कि 2-3 करोड़ का सेल हो जाता है पर महीने का, महीने का 2-3 करोड़ का सेल है आपका महीने का, करोड़ों का। और इसमें आपका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भैया? लो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब पकड़ लो यह भैया हर किसान का है ना। हाँ। तो जिसने जो ज्यादा चूजा निकालेगा उसके हिसाब किताब में उतना उसका पैसा चला जाएगा। ये 2-3 जो करोड़ है अकेला का मेरा थोड़ी ना भैया, समझ गया, बहुत सारे फार्मर्स का है, 2000 फार्मर्स का है एक तरीके से, है ना। आप कितना बचा लेते हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके पास आए हैं। अभी देखो भैया कोई, अभी देखो मेरे को भी पेट है, मेरे घर पे भी माँ बाप है, उनको भी संभालना पड़ेगा, मेरा भी भविष्य है। मैंने एकदम आसान से रूल बना लिया है कि मैं उनको सिखाता क्या हूँ कि जब मैं आपसे 10 रुपए में अंडा ले रहा हूँ या 300-400 रुपए में आपको मैं आपसे मैं जो चिकन ले रहा हूँ तो वो जो चिकन है तो वो चिकन मैं आपसे 300 रुपए में लेता हूँ, बराबर, तो उसको आपको 200 रुपए खर्चा कैसे आएगा वो मैं उनको सिखाता हूँ। तब किसान जाके 200 रुपए में चिकन बड़ा करते हैं, तब उनसे मैं 100 रुपए में खरीदता हूँ। तो मान लो मेरे को उनको 100 रुपए प्रॉफिट हो गया, उसके बाद में 300 रुपए जो चिकन आता है भैया वो 350 रुपए 400 रुपए किलो
सिलेक्ट, समझो अभी समझो मेरा चिकन हैदराबाद भी जाता है भैया जी जी, तो उसको मेरे को क्या हो गया ट्रैवल कॉस्ट आ गया जी, तो उसमें भैया चिकन मैं 500 रुपए में बेचता हूँ वहाँ पे। हाँ। मुंबई पुणे हो गया 400 रुपए में वहाँ पे बेचता हूँ जी जी, मतलब 100 रुपए हमको ही बचता है, तो उसमें भैया पैकिंग का खर्चा लिंक्स आपके लिंक्स आपकी सिरदर्दी बहुत कुछ है उसमें, दिखता है कहना आसान है करना बहुत मुश्किल मुश्किल है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ महीने में आप क्या बचा लेते हैं, आपको पता तो होगा देखो ऐसा नहीं है, इतना खर्चा है आपका मेंटेन करना, इतनी बड़ी गाड़ी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, वो भी मुंबई पुणे शहर में खर्चे बहुत एडवांस है यहाँ पे, क्या आप बचा लेते हैं महीने का? मैंने कहा 50 लाख होता रहेगा भैया, महीने का 50 लाख रुपए बचा लेते हैं, 50 लाख रुपए बच जाता है। हाँ। करोड़ रुपए हम लोग कमाते तो भैया उसके पीछे मेहनत बहुत है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ। मैंने आपको बता दिया 50 लाख रुपए कमाता हूँ। हाँ। पर चप्पल देखो 100 रुपए वाली पहन रहा हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल ये नहीं पहना तो आपका लाखों का घाटा हो सकता है, बिल्कुल होगा। इसके लिए चप्पल पहनना बहुत जरूरी है फार्म पे जी, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं भैया अभी भी लोवर में है और शर्ट मैंने बनवाई है ना यहाँ पे, ये बनियान में घूम रहे थे काम कर रहे थे अपने वर्कर्स के साथ, मतलब इतने डेडिकेटेड हैं आदमी, अगर महीने का 1 लाख रुपए भी कमा ले ना उसका दिमाग खराब हो जाता है भैया, या तो कुछ भी नहीं मैं चट्टी पे भी घूमता हूँ यार। अच्छा तो भाई सौरभ भाई ने अपनी इतनी अच्छी मतलब लाइफ की कहानी हमें अपने इस वीडियो में 15-20 मिनट की जो वीडियो बनी उसमें शेयर करी है और मुझे वो पसंद आई, आशा करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी, कुछ थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली होगी, भाई मुझे तो मिली है, मैं भी कुछ ना कुछ अब इस लाइन में आगे करूँगा। ठीक है तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।